वहाँ पे गाड़ी रुकी है तेहरान जाते हुए, तो मैंने पानी खरीदने लगा था। तो जो ड्राइवर भाई हैं उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो कीमत अदा नहीं करी, इंटरनेट करवाया है लेकिन कोई VPN नहीं चल रहा। जी बस में आ बैठे हैं और पाकिस्तानी 70 रुपये और यहाँ का 10 लाख रियाल। भाई नोट इनके हाथ में है तो आई कैन फील दैट आई एम अ मिलियनेयर। यहाँ पे ही रखा है, ने आगे नीचे सामान नहीं डिग्गी में रखा। तो ईरान की सरजमीन देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं। भूख से बुरा हाल है लेकिन पहले रश्त के लिए निकलेंगे, रश्त के बाद फिर जो है ना देखेंगे कि आगे ट्रेन मिलती है या नहीं। तो चलें, बहरहाल सो फार गुड एक्सपीरियंस। गाड़ी चल पड़ी है, पीछे हमारे एक पाकिस्तानी फैमिली बैठी हुई, शायद ज़्यारत के लिए आई है। तो बड़े परेशान थे, बड़ा म्यार होता है, सवाल कोई नहीं है। अच्छा अज़रबैजान से इधर आए तो सफाई का आप देख लें। गाड़ी रश्त के लिए अभी टर्मिनल से निकलने लगी है, सारी गाड़ी खाली है, अपनी अपनी सीटों के हम बेताज बादशाह हैं। और वो कह रहे हैं ना कि उल्टी ना करे जे तो चीज़ा भी ये बेच रखे जे। गाड़ी में उल्टी नहीं करनी, बिल्कुल माहौल यकसर चेंज हो गया है, यकसर माहौल चेंज हो गया है। अज़रबैजान से ईरान आते ही माहौल भी चेंज हो गया। वैसे अज़रबैजान से ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्री फ्री महसूस हो रहा है, फील फ्री कर रहा है। ये ठंडा इलाका है, नॉर्थ है ना। अल्लाह करे कि तेहरान के लिए जो है ना आगे से ट्रेन या बस मिल जाए।
क्योंकि ट्रेन पे तो फिर बाद में भी जो है ना वो मैं सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन अभी थका हुआ तो आज ट्रेन बस पे ही सफ़र करूँगा, क्योंकि जिस अड्डे पे इसमें जाके खड़ी होने वहाँ से ही हो सकता है तेहरान के लिए बस मिल जाए। देखते हैं क्या बताओ कि 15-20 मिनट हो जाए गाड़ी खड़े की, पता नहीं ड्राइवर ने गाड़ी यहाँ पे क्यों खड़ी की, हालांकि यहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है। 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई, कम हो कुछ ऐसा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ की बसों का हुआ है कि क्या बताएं, हर दो मिनट बाद ड्राइवर ब्रेक लगाता है, हर दो मिनट बाद। मुझे नहीं पता कि कब रेस्ट पहुँचेंगे और कब है ना आगे का सफ़र शुरू होगा, लेकिन हर दो मिनट बाद, इतनी बड़ी गाड़ी है हर दो मिनट बाद ब्रेक लगती है, ऐसे लगता है जैसे कोई लोकल गाड़ी ना हो, इतना गंदा एक्सपीरियंस है ना। और फर्स्ट इम्प्रेशन ईरान की बसों का, हाँ बस ठीक है, खुली सीटें हैं, लेकिन तोबा तोबा तोबा, इस ड्राइवर ने तो वही हद ही कर दी है, अल्लाह ही पूछे। अभी शाम का हो गया है, असर से पहले कि हम चले थे अभी तक रश जो है ना वो गुमशुद है, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। जिस स्पीड से ड्राइवर साहब जा रहे हैं और जिस तरह गाड़ी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आधी रात तक रश पहुंचेगी। रश का ये हाल है तो आगे क्या होगा, फिलहाल तो हाल बेहाल है। जगह रुकी है, बल्कि एक जगह के हर जगह पे रुकती रहती है जी। और आगे तेहरान की गाड़ी मिल गई, तो पहले मेरा मूड था कि मैं ना तेहरान रश से बाय ट्रेन जाऊँ, लेकिन 6 बजे जो है ना वो ट्रेन का टाइम होता है तो ट्रेन निकल गई, ये तेहरान की गाड़ी लगी हुई थी बस, तो इसी में बैठना जो है ना वो मैंने करीना चाहना। तो अभी लगा रखे तेहरान का सफ़र शुरू, रश्त से चल पड़ी है और तेहरान का सफ़र शुरू। तो ये भी काफ़ी लंबा सफ़र है, मेरा ख्याल है कि सुबह ही किसी पर पहुँचेंगे 6-6:30 बजे। आस्त्रा से रश्त तक जो गाड़ी बैग आई थी उसमें भी मैंने बैग जो है ना वो साथ ही रखा था, और यहाँ पे भी बैग, तेहरान जाते हुए भी बैग मैंने सीट के साथ, बिल्कुल खाली है, सवारियाँ बिल्कुल नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में गाड़ियों में सवारियों का रश होता है, ट्रेन्स में रश होता है, यही चीज़ मैंने अज़रबैजान में देखी है और यही चीज़ सोफा यहाँ पे भी देखी है कि गाड़ियाँ बिल्कुल खाली होती हैं और भगा के ले जाते हैं ड्राइवर्स अपने टाइम पे। तो खैर रखे, लंबा सफ़र शुरू हो चुका है तेहरान का, चलते हैं तेहरान देखते हैं सुबह जाके, और आपको भी दिखाएंगे अपने कैमरे की। यहाँ पे गाड़ी रुकी है तेहरान जाते हुए, तो मैंने पानी खरीदने लगा था, तो जो ड्राइवर भाई हैं उन्होंने कहा कि आपने जो है ना वो कीमत अदा नहीं करनी, बहुत मैंने मना किया कि मैं पैसे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने पानी के जो है ना वो पैसे नहीं लिए। मतलब ये मार्केट है सारी, यहाँ पे अचार वगैरह के ना चलते हैं गाड़ी में। और तकरीबन 12:30 का टाइम है, यहाँ पे गाड़ी ने उतारा है, तो सबसे पहला काम ये है कि यहाँ से करवा रहा हूँ इंटरनेट का पैकेज, और जब नेट ऑन होगा तो फिर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। भाई जान, पैसा डॉलर डिनर चेंज ओके अली
यहाँ से इंटरनेट करवाया है लेकिन कोई VPN नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं ओपन हो रहा। अभी जहाँ पे जाना है उसके पास, वहाँ पे जाने के लिए स्नैप के थ्रू टैक्सी भी है, वो पता नहीं कब तक आता है। इन भाइयों के साथ अच्छी गपशप लगी है, तशक्कुर, बिस्यार तशक्कुर। ज़बान फ़ारसी बिस्यार शिरीन अस्त, शिरीन अस्त। YouTube बेजार, मिस्टर YouTube, ओके YouTube अपलोड, ओके YouTube नो अपलोड, बिकॉज़ VPN इस एरन YouTube करना भी कुनी। पाकिस्तान में भी अपलोड को, ओके اسم شما چی است؟ یوزر یوتیوب. اسم کی؟ اسم کی؟ بذار من یوتیوب خودم نشون بدم. من دنبال کنید. کونی اسم کی؟ شما چنل موجود است؟ ها؟ شما چنل یوتیوب چنل موجود است؟ اوکی اوکی. بذار اونجا. اوکی. He's also a YouTuber. بنویسید. زیرش بنویسید این کونی میده. امین کے ساتھ گپ شپ ہوئی ہے تھوڑی بہت فارسی کی، ہم نے بھی ٹانگیں توڑی ہے۔ تو آج کے ولاگ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تہران کو، شیراز، مشہد، تبریز، ساری جگہوں کو ایکسپلور کریں گے اور پھر لاسٹ میں جاتے ہوئے کیشا ایلینڈ، چابہار، پھر آگے چلے جائیں گے اپنے گھر۔